हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी राइस, मेथी लेफ्ट ओवर राइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे, और बता देती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे कि अभी ठंडी आने वाली है ना, तो कुछ झटपट से ना बन के टेस्टी वाली रेसिपी अगर आप लोग को तैयार चाहिए तो आप ये बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देख लेते हैं इसको बनाना कैसे। यहाँ पर लेना है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, उसमें डाल देना है जीरा, 1 से 2 हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, और इन सबको जो है थोड़ा सा ना चटकने देना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का, मैं यहाँ पर प्याज यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर घुमा लेना है। उसके बाद उसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, फिर उसके बाद डाल देना है इसमें मेथी। तो मैं यहाँ पर 2 छोटी कटोरी के लगभग मेथी का यूज़ कर रही हूँ। मेथी को अच्छे से धो लेना है, बारीक कट कर ले और फिर इसमें मेथी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कटी हुई मेथी यहाँ पर डालनी है, इसमें डाल देना है फिर थोड़ा स्वादानुसार नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर आप लोग अपने तीखे के हिसाब से रख सकते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा ना सब्जी मसाला इसमें हम डालेंगे, क्योंकि हम जो राइस बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा ना मेथी मसाला राइस होगा। तो मसाले अगर आप लोग थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर किसी को स्पाइसी खाना पसंद है एकदम, तो ये जो राइस है मेथी राइस वो उनको बहुत ही पसंद आने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम लोग, मतलब मेथी और जो हमने इसमें टमाटर डाला है वो थोड़ा सा कुक हो जाना चाहिए, तो ही हम इसमें जो है राइस डालेंगे। तो मेथी जो है थोड़ा सा पानी छोड़ा है मेथी ने, तो मेथी का जो पानी है अभी दिख रहा है आप लोगों को, वो अच्छे से सुखा लेना है, ठीक है। सुखाने के बाद ही इसमें जो है हम चावल डालेंगे। तो आप लोग ना ये फ्रेश चावल भी जो है इसमें डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बचे हुए जो चावल होते हैं ना हमारे सुबह के, थोड़े से जो लेफ्ट ओवर राइस घर में बच जाता है बचे हुए चावल, तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग प्लेन मतलब फ्रेश राइस का भी बना सकते हैं, बट और फिर और जो घर में चावल बच जाते हैं उसका भी जो है आप लोग ये बना सकते हैं। तो इसमें जो है चावल ऐड कर देना है, 1 से 2 मिनट इसको जो है अच्छे से भून लेना है, पका लेना है, और फिर यहाँ पर जो है आपका मेथी राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम मेहनत में बहुत अच्छा टेस्टी राइस जो है आप लोग बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट का बस समय लगेगा इसमें, बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं है। और वैसे भी अभी ठंडी आ रही है ना, तो ठंडी में इतना कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग ये राइस जो है बनाकर खा सकते हैं, और हेल्दी भी है, प्रोटीन भी है और टाइम बचत भी है, और मसाले भी इसमें बहुत ही कम लगने वाले हैं, जो हर किसी के घर में इजीली जो है वो अवेलेबल होता है। बहुत ही कम मेहनत में आप एक हेल्दी वाली राइस जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेथी राइस जो है, मेथी लेफ्ट ओवर राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको रायता के साथ या फिर कोई ग्रेवी के साथ, और आप इसको ना ऐसे भी खा सकते हैं, प्याज वगैरह नींबू वगैरह लेके खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेथी राइस पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है ना, सो प्लीज़ करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही प्लेन और सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए। तो बहुत ही प्लेन और सिंपल सा मेथी राइस है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। और एक बात और बता दूँ, जो बच्चे लोग को मेथी खाना तो पसंद नहीं होता, ऐसे तो बच्चे लोग को मेथी कड़वी लगती है, लेकिन अगर आप ऐसा बना कर देंगे ना, आपके बच्चे ना रोज़ खाना पसंद करेंगे मांग मांग के।